गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज छुट्टी है मेरी, तो आज कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि गांव में मेला चल रहा है और रात का टाइम था तो कुछ दिखा नहीं, तो आज बहुत कुछ है देखने को। मेला है, नॉनवेज है, नॉनवेज में चिकन है, आज मटन है जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सो जस्ट नहा लिया अभी और बाहर आया हूँ, थोड़ी देर में जाऊंगा मैं कुछ तो लाने, हाँ हाँ लाने जाऊंगा और मेला दोपहर में दिखाऊंगा। सो लगे रहो मेरे, यहाँ पे वंटी खड़ा है और अभी हम जा रहे हैं लाने कुछ तो। हम दिखते ही चल तो अभी गांव में आया हूँ और आप तो देख रहे हो सामने क्या है, मेरे बकरा। तो अच्छे अच्छे बारीक पीस करके ले लेंगे, तो क्योंकि दोनों भी बनाना है सबका, तो चलो पहले ले लेते और निकल जाए से। तो ये है अपना गांव। जो लाना था मैंने ला दिया है, अभी सोनल कर रही है उसकी तैयारी। प्याज, लहसुन और क्या क्या, करी लीव्स, कोरिएंडर, क्या कोकोनट और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सब चीज़ें पकने वाली है बॉस यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमने चूल्हा लगाया है और उसके ऊपर बनेगा अपना मटन। मस्त दो बनेंगे, एक आलनी बनेगा, एक बनेगा सूखा और एक बनेगा तीखा। तो कैसा है पुणे में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती? पुणे में क्या है ना, पुणे में बुलाई वाला मिलता है, मतलब जो शिप ही बोलते ना, शिप का मिलता है, तो वो मुझे पसंद नहीं ज़्यादा। तो ये खाएंगे आज फुल पेट भर के। मामा भी आने वाला है और सोनल बनाने वाली है। अरे देखो ये हमारी बेला साहब ऐसे बैठी यहाँ पे, जब भी आती है ना वैसे ही बैठती पागल। सो बनाएंगे, कब बनाना है सोनल? बनाएंगे अभी, 5-10 मिनट में स्टार्ट करेंगे अपन। लगे रहो मेरे साथ व्लॉग में। सो ये आया अपना मटन जो कि मैंने अभी लाया है, तो अभी इसको अच्छे से धो लेगी सोनल और बनाएगी। तो मैं जैसे जैसे बनाते रहेंगे वैसे वैसे वीडियो डालते रहूँगा। अपने भुने हुए प्याज है, इसको छोटे छोटे लिए, तो इसको इस चूल्हे में अच्छे से भून लिया और ये घर के प्याज है और इसका ये छोटे छोटे प्याज कट होंगे और ये जाएंगे, इसका थोड़ा सा पेस्ट होने वाला है प्याज का। ये धोने के लिए थोड़ा सा हल्दी और नमक का यूज़ करती है, तो ये अच्छे से मतलब अच्छे से धो, मतलब क्लीन हो जाएगा। कैसे ऐसा है हमारे यहाँ पे जो गाय है, तो गौ माता, उनको खाने के लिए गन्ना है, तो उसके एक एक छोटे छोटे करना है, छोटे छोटे टिपुर टिपुर बोलते हैं, टिपुर करेंगे। चलो चलो अभी उसको काटेंगे आप, तब तक यहाँ पे काम हो जाएगा खाने वाला नहीं का। ये कोयता कोयते से हम कट करेंगे। तो ये हो गए गौ माता को खाने के लिए, कर दिया मैंने छोटे छोटे पीसेस। तो यहाँ पे ना यार वो थोड़ा सा फॉग आ रहा है, थोड़ा सा बॉईल होने के लिए डाला है, थोड़ा बॉईल होगा उसके बाद, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना, तो अभी गैस पे डाला है, तो ये गैस पे बॉईल होने के बाद हम डालेंगे उसको चूल्हे पे बॉईल। पता नहीं कभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि मतलब एक सुबह सुबह गांव में एक वासुदेव वाला हो, वासुदेव वाला सका चपारी ऐसा कुछ एक सॉन्ग है और वासुदेव जी आते मतलब बेस लेकर, तो वो चीज़ मेरे सामने हो रहा है आज। चलो मैं वही दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत सालों बाद ही देखी है, मतलब बहुत सालों बाद उनको देखा है आते हुए। पहले देखता था जब गांव में रहते थे हम, तब देख चुका हूँ उनको। तो चलो अभी आए हो तो मैं उनका वीडियो शूट कर लेता हूँ और आप भी देख लो। श्री नारायण, एक दिले ना धार। यहाँ पे पूरे मसाले जो कि यूज होने वाले अपने ग्रेवी में, ये भी आप देख सकते हो, ये प्याज बुना वाला पत्ता, ये मिर्ची, कोकोनट, धनिया यस धनिया, और ये कुछ तो है, और ये भी कुछ तो है, ये बाजरा है शायद, बाजरा।
तो ये सब मिक्स होगा, ग्रीन होगा और फिर जाएगा वो चिकन में, ये सॉरी मटर। तो अभी यहाँ पे सोनल लगा रही है चूल्हा, वो बहुत बड़ा था, हमें यहाँ पे बस कढ़ाई बैठनी चाहिए, इतना ही स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा उसको कम कर लेते हैं। वो पहले हम इस मतलब इस पे ना पानी गर्म कर दे, तो ये बड़ा था तो इसको छोटा कर रही है सोनल। तो इस तरह से ये कढ़ाई इस पे बैठ गए, तो हमने उसका मेजरमेंट अच्छे से ले लिया था, सही थे हम। तो सही अभी सोनल मसाला बना रही है और मेरी काकी हमें हेल्प कर रही है चूल्हा जलाने के लिए। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे कुछ डाल दिया और इसके ऊपर से ये डालेंगे, तो चूल्हा अच्छे से जल जाएगा ना, ताव आ जाएगा, ताव आने के बाद बहुत सही रहेगा। तो चूल्हा जल रहा है अपना और यहाँ पे सब कुछ लाकर रख दिया है, बनेगा अपना यहाँ पे सूखा। चलो तो अपनी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, कढ़ाई में जाएगा ऑयल। तो अपना ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो अभी यहाँ पे गया प्याज और तमालपत्र उसके साथ, तो प्याज भी अच्छे से भून लेंगे इसमें। आवाज़ देखो, आवाज़ तो आ रही होगी आपको ज़ोरों से होगी। तो यहाँ पे अभी जाएंगे लहसुन जो भी कहना आप कह सकते हो। तो इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के मतलब थोड़ा स्मूथ कर लिया। तो लहसुन जो मैंने पहले दिखाया था वो उसका ग्राइंडर जो कि ऐसा हुआ है, और ये कोरिएंडर और ये मसाला है कोल्हापुरी मसाला, पूरा डालो। ये हल्दी, ये मसाला जो कि ग्रीन किया वाला मसाला है, ये जाएगा इसमें। तो ये वो पानी है जो कि बॉईल करने वक्त लगाया था, तो इसमें जाएगा वो। बस इसने अभी पानी नहीं छोड़ना चाहिए, और अपना अभी जो कि मटन था बॉईल हुआ वाला वो पूरा जाएगा इसमें। ये जैसे जैसे धीमे फ्लेम पे अगर पकेगा ना तो ये पानी सूख जाएगा और पानी पूरा इसमें मतलब सोख लेता है मटन, तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है मैं आपको बता नहीं सकता। कभी आ जाओ खाने पे हमारे यहाँ पे, ज़रूर आपको बना के खिलाऊंगा। ये पूरे जाएंगे अभी पीसेस, और बंटे भाई सब रुके अभी यहाँ पे, सोच रहे हैं हमें कब मिलेगा। यस, तो अभी ये टाइम लगेगा बंटे भाई सब खोने में इसको, जब तक नहीं होता तब तक मुँह का पानी सोख लेते है ना। चलो अभी इसको मस्त हिला रही है, चलो बढ़िया। बस बेला को स्मेल नहीं जाना चाहिए, अगर बेला को स्मेल गया तो फिर रहेगा, हमारा भी खाना रहेगा और उसका भी खाना रहेगा, क्योंकि उसको हमसे ज़्यादा नॉनवेज ज़्यादा पसंद है उसको। बट सो गई अभी, होगा जल्दी होगा। ऊपर से थोड़ा सा कोल्हापुरी मसाला जो बचा था वो डाल दिया, और उसके बाद जाएगा कोरिएंडर। दिख तो ऐसे रहा है ना भाई अभी, हाँ घर के कोरिएंडर, घर के खेत के कोरिएंडर है। बोलो अभी और क्या चाहिए, 40 रुपए का लेने से बेटर है घर के खेत के, घर का माल है बॉस, घर का माल। और यहाँ पे मम्मी बना रही है ग्रेवी वाला जो कि बन चुका है, थोड़ा उसको फोड़ने देने पीस। वाह मजा आने वाला आज, सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला। तो चलो अभी मैं खाना स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए ये जो बनाया था सूखा, जो कि चूल्हे पे बनाया था, और ये मेरी पूरी प्लेट। यहाँ पे मामा जी भी आ गए, हमने खाना खा लिया था पहले वो आने से पहले। भाई साहब मैंने ऑर्डर किया था एक पेडिग्री का आपने बेला के लिए, तो ये भाई साहब लेकर आए पेडिग्री। थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच। ये बहुत है, मुझे लगा छोटे होंगे। चलो अभी जाते थोड़ी देर में मेले में, चलेगा ना बेला में जाते बेला। नो तो अभी बहुत पेट भर के खाना खा लिया है मैंने, और मामा जी ने भी और इन दोनों ने भी खा लिया है। तो मैंने जैसे कि बोला था मैंने कि हंगामा है, तो आज नहीं हो कुश्ती का, वो कल है। तो चलो अभी मैं आपको गांव में जो मेला है भरा हुआ, तो मेला दिखाता हूँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं। आईपीएल धमाका है वैसे, और कल कुश्ती है, तो आज नॉर्मल चीज़ें जो है मैं बताता हूँ। गांव में मेला था तो मज़ा आता है। तो ये देखिए अब हो गया स्टार्ट यहाँ से मेला, जैसे कि आप देख सकते हो छोटी छोटी दुकान, जैसे कि टेडी बेयर की दुकान, खाने की दुकान बहुत है आगे। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ तक। ये देखिए यहाँ पे कोई भी सामान लो, 100 रुपये का ये डॉल, ये छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे लगाया है, आगे चलो। और ये देखो ये भी बच्चों के लिए खेलने का, मेरे काम की कुछ भी चीज़ नहीं यहाँ पे, मेरे काम की चीज़ तो मैंने सुबह ही कर ली, खा लिया मैंने। क्या
खिलौना, अरे मैं छोटा नहीं बनाया अपने तो ले लिया होता। तो ये देखिए यहाँ पे देख के कैसे खाने के दुकान लगे, स्टॉल लगे। तो रेवड़ी, रेवड़ी नाम सुना होगा आपने शायद कभी ना कभी, सेव। तो ये सारी चीज़ें है यहाँ पे। और एक मतलब लाइन में क्यू में सब के सब स्टॉल लगे। और ये लगते, ये देखिए एक छोटी गली है तो वो गली में भी स्टॉल लगे। हर माल 20 रुपये, ले लो कोई भी हर माल 20 रुपये का। छोटे रहते थे ना तब मज़ा आता था, चिल्लाते जाते ले लो हर माल 20 का, हर माल 20 का। तो आपने देख लिया होगा, थोड़ा ही दिखा है गाँव का मेला। मेला तो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा था, थोड़ा ही दिखा है। ज़्यादा देखने से क्या है, हम कुछ लेने वाले नहीं तो देखा कर क्या फ़ायदा ना, ज़्यादा बहुत बहुत ही था। तो चलो अभी घर पे जाते हैं। भाई वो सुनना, अभी तो अभी का तो हो गया, अभी क्या प्लान है, शाम में कुछ रहते हैं क्या? हाँ नहीं, वो उसको वीडियो में नहीं आ रहा है, उसका मूड ख़राब है। बताओ कुछ रहता है तो फिर प्लान करेंगे, देखो कैसे मूड छुपा रहा है। क्यों रे भाई, लड़की थोड़ी है तुम। कुछ प्लान है क्या बोला? अरे कुछ प्लान है तो बता दे, फिर जाएंगे ना शाम को कहीं नहीं। हमें तमाशा देखना है। तमाशा करना है। चलो अभी कुछ प्लान नहीं लगता, शायद घर पे जाते मस्त फ्रेश होते, चाय वाय पीते या फिर से खाना है। कुछ भाई, अरे बोल रहा भाई। चलो तो ये भाई साहब आ गए, अभी 6 घंटे का ट्रैवल करके, उनको बोला था जल्दी निकला फिर भी लेट निकल गए। सुबह सुबह आए, ठंडी थी, सुबह सुबह नहीं शाम को आए, बार 12 बजे निकले थे, अभी बज गए 6, मतलब 6 घंटे का ट्रैवल हो चुका है ऑलरेडी। सिर्फ देख रहा है मेरे पास, 5 hours में आ गए भाई साहब। तो बेला जब भी गांव में आती है ना तो पूरा स्ट्रीट डॉग जो रहते ना, स्ट्रीट डॉग वैसे ही बिहेव करते पूरा के पूरा, मतलब उसको पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं, पूरा बिहेव उसका स्ट्रीट डॉग जैसे होता है। बेला समझ में नहीं आता, अभी उसको खाना खिलाया मैंने बट उसको खाना नहीं है, उसको बाहर जाना है। मतलब इतना खाली स्पेस सिटी में नहीं मिलता है, और यहाँ पे इतना खाली स्पेस मिल रहा है ना तो वो पागलों जैसे कर रही है। सो गाइस खाना वाना हो चुका है, और पीछे देख सकते हो आप मेरे, अभी भी फटाके आवाज़ आ रही है, दिख थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। सो ये तो चलता रहेगा, कल भी बहुत मज़ा आने वाला है। सो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, थक गया हूँ खा खा कर। सो लगे रहो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और ना सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।